Welcome to Chin Orchards. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन। मैं मौजूद हूँ मलेशिया की रियासत सबा के शहर कोटाकिनाबालो के कस्बे टेनम में, जिसको ड्रैगन फ्रूट की जन्नत कहा जाता है। Welcome to Chin Orchards. Yeah, Chin Orchards. So we just want to visit your this. Yeah, you dragon fruits. Yeah. You see lah, oh, jalan-jalan tengok-tengok gambar-gambar. Oh, okay, mau hujan sudah. Kalau Pak kau tahu ada ada dragon fruit sini. Siapa kasih tahu? Dragon fruits, masyaAllah. यहाँ से जाके देखते हैं पहले पूरे बाग का नज़ारा। ये सारा एरिया ड्रैगन फ्रूट का है और वो सामने जो है वो पाम का जो बागात स्टार्ट हो जाते हैं वहां से। कोटाकिनाबालो की मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन लोकेशन है ये। ड्रैगन फ्रूट के लिए इस तरह ज़मीन को तैयार किया जाता है और उसके जो इसको लगाने का तरीका है वो भी आप देख सकते हैं, स्टैंड से बना के उसके ऊपर। ड्रैगन फ्रूट के पौधों के लिए इस तरह से ज़मीन तैयार की जाती है और ड्रैगन के पौधों की तरतीब आप देख सकते हैं। ड्रैगन के पौधों के लिए लकड़ी का खास किस्म का स्टैंड तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसी तरह से ही फल हासिल किया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट चार मुख्तलिफ रंगों सुर्ख, गुलाबी, पीला और सफ़ेद रंग का होता है। ड्रैगन फ्रूट यहाँ का मकामी फ्रूट होने के बावजूद मार्केट में इसकी कीमत हमेशा 20 रिंगट पर केजी से ऊपर ही रही है हमेशा, और ज़्यादातर ये जो एक्सपोर्ट है ये सिंगापुर और मिडल ईस्ट में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ की जो ज़मीन है और जो मौसम है अनथाई मौजू है इस ड्रैगन फ्रूट के लिए। परमिशन मिलने के बाद हम यहाँ से कुछ लेंगे ड्रैगन्स। अभी आपको काट कर भी दिखाता हूँ। ये है जी पिंक कलर का, माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ड्रैगन फ्रूट को काटना कैसे है। माशाल्लाह इसकी स्किन ऐसी उतार लेनी है और ये फ्रूट माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसको। लाजवाब चीज है जी, माशाल्लाह। इसका कलर आप देख सकते हैं, सिडा बोले हाँ सिडा। वो सिनी सतो किलो प्रापा सिनी मार्केट दे दो ना।
2 pulu, 1 pulu, 2 pulu ringgit. Mahal, ha? उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर अपने सब्सक्राइबर्स और YouTube फैमिली का दिल से शुक्रिया। खुश रहें। जज़ाकअल्लाह।